हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं टेक टैलेंटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ चुके अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप में जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा जो व्हाट्सएप का मैसेज है वो अभी डिलीट है। सो गाइज, देख सकते हैं अभी जो मेरा मैसेज वो डिलीट है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बाहर आना है और यहाँ से चले जाना है आपके अपने प्ले स्टोर में। और यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है चैट बिन, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे चैट बिन टाइप कर देने के बाद आप लोगों को ये जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद इसे अपने फ़ोन में ओपन करना है। सो गाइस, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद गाइस, देख सकते हैं ये जो मैसेज है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा कर आ चुका है और हम यहाँ से इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने फ़ोन में किसी भी डिलीट मैसेज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल टेक टैलेंटेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।